चुनाव का पांचवां चरण और पिछले चार चरणों की तरह ही लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में भी जनता ने बंपर वोटिंग की है और पांचवें चरण में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 78.89% वोटिंग हुई है, 79% के आसपास, जबकि मणिपुर में 74% के साथ दूसरे स्थान पर वोटिंग रजिस्टर की गई। इसके अलावा ओडिशा में 70%, यूपी की 11 सीटों पर 62.25%, मध्यप्रदेश में 54.41% और छत्तीसगढ़ में 63.44%, तो राजस्थान में 63, बिहार में 56, झारखंड में 52 और महाराष्ट्र में 54.67% अंकित किया गया है मतदान, जबकि कर्नाटक में 68 और जम्मू कश्मीर की डोडा उधमपुर लोकसभा सीट पर 69% से ज्यादा मतदान हुआ है। इस चरण में 1761 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है, जिसका खुलासा अब 16 मई को होगा। 16 मई की सुबह किसके लिए क्या सौगात लेकर आती है, देखना यह पड़ेगा। जीत सिर्फ 543 लोगों की होनी है और देखना है कि ये कौन से वो 543 लोग हैं जिन्हें देश चुनने जा रहा है। और गुरुवार को 12 राज्यों में जब 121 सीटों के लिए मतदान हुए तो 1761 प्रत्याशियों में वो कौन कौन से प्रत्याशी थे और वोट डालने के बाद किसने क्या कहा। बीजेपी नेताओं ने कहा देश भर में मोदी की लहर है, तो कांग्रेस ने कहा कि किसी की भी लहर नहीं है और बीजेपी तो किसी भी सूरत में सत्ता में नहीं आने वाली है। और कितने लोगों ने कहां कहां वोट डाला ये सब देखिए इस रिपोर्ट में। पांचवें चरण के मतदान की ये अहम तस्वीरें हैं। सोलापुर में गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे, पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी मुखिया लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के अलावा दक्षिण बेंगलोर से कांग्रेस उम्मीदवार नंदन नीलेकणी, राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने, भोपाल में सुषमा स्वराज और ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने वोट डाला और जीत के दावे किए। मोदी का बिल्कुल प्रभाव नहीं है, यहाँ प्रभाव है तो सुशील कुमार शिंदे का प्रभाव। आई डोंट नो हाउ मेनी डेज यू बीन हियर, यू बीन हियर फॉर अ वीक, हैव यू सीन अ मोदी लैंड? बीजेपी नॉट इन गुना बट आई एम, यू आर इन गुना विद मी राइट नाउ, सो हैव यू सीन अ मोदी? यूपी के रामपुर में मुख्तार अब्बास नकवी ने वोट डाला तो पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा रविशंकर प्रसाद ने भी वोट डालकर यही कहा कि देश भर में बस एक ही लहर है। चारों तरफ आप कमल खिलते दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार भारत के संसद में 300 से भी ज्यादा कमल खिलेंगे। देश में एक अभूतपूर्व बदलाव का माहौल चल रहा है और इतने बड़े बदलाव का माहौल मैंने कम देखा है। वो हर वोट महंगाई के मंडी और बेमानों के बाजार पर गहरी चोट होगी। आज जो है वो ये चुनाव टाफी और टोपी का नहीं है, ये चुनाव सुशासन और विकास के लिए है। उधर राजस्थान के झालावाड़ में राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपना वोट डाला तो बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार जसवंत सिंह ने, जबकि अजमेर में वोट डालने के बाद सचिन पायलट ने कहा यहाँ मोदी की कोई लहर नहीं। कोई यहाँ लहर वहर नहीं है, ये तो अखबार में इश्तिहार दे देकर अपनी फोटो छपा रहे हैं और जो जनता उसको पसंद करती है, जो काम करता है, हमने काम किया इसलिए हमें लगता है जनता पूरी जिताएगी हमारे। मैंने सोचा और सिद्ध किया जा रहा है ये यहाँ के नागरिकों का चुनाव है, उनका जो रोष है उसकी अभिव्यक्ति वो वोट के जरिए कर रहे हैं। 12 राज्यों में 121 सीटों के लिए हुए मतदान में 1761 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब 16 मई को पता लगेगा कि इनमें से किस किस की किस्मत चमकी। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। किस किस की किस्मत चमकी 16 मई को पता चलेगा, लेकिन सबों की निगाहें एक सीट पर बहुत जोर से लगी हैं, बाड़मेर। पाकिस्तान की सीमा से सटा राजस्थान का ये कंस्टिट्यूएंसी और यहां से निर्दलीय उम्मीदवार जसवंत सिंह खड़े हैं और आपको याद होगा अभी हाल तक तो भारतीय जनता पार्टी में थे, टिकट नहीं मिला और जसवंत सिंह ने कहा मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा और लड़ भी गए और आज मतदान वहां हुआ है। और बाड़मेर में जन्मे थे जसवंत सिंह, एक भावनात्मक वहां पर कनेक्ट बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे नाराज हैं और उन्होंने कर्नल सोनाराम को टिकट दे दिया है, अब उन्हें हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी है। लेकिन अब जसवंत सिंह का आरोप है कि दरअसल उन्होंने अपनी मशीनरी का गलत प्रयोग भी किया है और राज्य की मशीनरी का गलत प्रयोग करके उन्हें हराने की कोशिश
आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल उन्हें हराने की एक साजिश रची गई है बाड़मेर में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कैबिनेट के सभी मंत्रियों को कहा यहां जाओ और किसी तरह जसवंत सिंह को रोको, बाड़मेर जैसलमेर की जनता को हराओ।